हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मेयोनीज सॉस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग मेयोनीज सॉस रेडीमेड खरीदते हैं, पर मैं बहुत सालों से हम खुद ही बनाते हैं मेयोनीज सॉस, क्योंकि मेयोनीज सॉस घर में बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे चर्न करने हैं, बस एक ये टेक्निक है कि कैसे चर्न करने हैं। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सी का जग लिया और इसमें मैं डालूंगी एक अंडा। अभी आज मैं एग वाली सिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम हम एगलेस भी कर देंगे। आज हमारी एग वाली रेसिपी है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून एंड 1 टीस्पून शुगर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। ये रेडीमेड आती है, वेकफील्ड की डिब्बी आती है, आप ले सकते हो। और इसको पहले हम चर्न करेंगे। मिक्सी चलना बंद हो गई है, इतनी ज़्यादा थिकनेस आ गई है। और जब मैं पोर कर रही थी, सिर्फ मैंने अंडा, चीनी, ब्लैक पेपर, विनेगर वगैरह जो भी ये सामान पड़े हैं ये हमने चलाए, और मिक्सी बंद नहीं करनी। मिक्सी का ये छोटा वाला ढक्कन हटा के इसके अंदर हमने धीरे 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 हमने पोर किया है, और एकदम से ज़्यादा स्पीड से ऑयल नहीं डालना है, धीरे धीरे करना है। और फिर उसके बाद साइड पे हाथ में ऐसे रख लो जैसे मैंने रखा हुआ है, ताकि बाहर छींटे ना आए। और ये ढक्कन इसीलिए बना हुआ है, काफ़ी चीज़ों में हमें ऐसे करना पड़ता है। तो ये हमारे मेयोनीज तैयार हो जब हो जाती है ना, तो आपकी ये मिक्सी चलना बंद हो गई। ठीक है, ये इतनी थिकनेस आ जाती है इसमें कि आपकी ये मिक्सी चलनी बंद हो जाती है। तो अब ये हमारी रेसिपी तैयार है। ये देखिए मेयोनीज सॉस तैयार है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, सैंडविचेस बनाओ, जैसे कि रेडीमेड आप मार्केट से ख़रीदते हो। तो सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास पड़े हैं, आप इसको बनाओ, खुद बनाओ और अपने बच्चों को हेल्दी रेसिपीज़, घर की बनी हुई आप प्लीज़ दें, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, तो आप बिना प्रिजर्वेटिव के घर में, क्योंकि मार्केट से ख़रीदोगे नेचुरली उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होंगे जो काफ़ी देर तक उसको स्टे करती है, पर घर की मेयोनीज बनी हुई भी काफ़ी टाइम निकल जाती है। आप एक कप जो ऑयल है उसकी मेयोनीज है। एक्चुअली आप लोग कई लोग सोचते हैं कि मेयोनीज कोई मतलब हेल्थ वो नहीं है, उसमें फैट नहीं है, ऐसे नहीं है। और पूरा एक कप तेल से मेयोनीज सॉस बनी हुई है, उसमें फैट ही फैट है। आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और यह रेसिपी घी से नहीं बनेगी, सिर्फ ऑयल से, कुकिंग ऑयल जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो ले सकते हो। और उसमें एक कप तेल है तो एक कप मेयोनीज बनती हैं, इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं। और जो भी आप सैलड बनाते हो उसमें अगर आप मेयोनीज डालते हो तो वो बिल्कुल आप ये सोच के मत खाओ कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं मगर सैलड खा रहे हैं, तो तेल तो सारा चलेगा आपके अंदर। ठीक है, मेयोनीज बिल्कुल वो नहीं है, फैट फ्री नहीं है। ठीक है, दिस इज़ विद द 1 कप मेयोनीज एंड 1 कप ऑयल, ये हमारे पास तैयार है। ये रेड टमाटो सिर्फ मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर रखा है, बाकी और कुछ नहीं। ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है, मेयोनीज सॉस। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो इसको, और ये कम से कम 10-12 दिन तक रहती है, आप इसको फ्रिज में ही रखेंगे। और प्लीज़ आप ये रेसिपी सबके साथ शेयर करना, हमारा वीडियो जो है आप शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।